हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस वी एस इंग्लिश क्लासेस। वी आर हेयर टू डिस्कस एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब और सब्जेक्ट एंड वर्ब कंकॉर्ड। मींस सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, कर्ता और क्रिया का समन्वय, मीन्स कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन की आएगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन की आएगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पहचान पाना कठिन होता है और हम वर्ब का प्रयोग गलत तरीके से कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक जहाँ छोटा सा दिखाई देता है लेकिन इसको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कम से कम 20-22 पॉइंट्स हैं। तो लगता है कि ये वीडियो दो भागों में हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें तभी समझ में आएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक न्यू अपडेट्स पहुँचते रहें, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का और एक लड़की वहाँ बात कर रहे थे, यानी कि एक वचन नाउन आर्टिकल ए से जुड़े हो और उनके बीच में कंजक्शन एंड आ रहा हो। ए बॉय एंड ए गर्ल, एक है सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ में प्लूरल की वर्ब आती है। ए बॉय एंड ए गर्ल, इस प्रकार से। अभी चाहिए, ये तो व्यक्ति हो गए, वस्तु हो सकती हैं, ठीक है, पशु पक्षी हो सकते हैं, ए डॉग एंड ए कैट, तो प्लूरल हो जाएगा ये, यानी कि एक वचन नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वह प्लूरल में आता है, और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल में प्रयोग की जाती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो वर आएगा। वर टॉकिंग, देयर। नेक्स्ट है, रमेश और उसके मित्रों ने स्कूल छोड़ दिया है, ठीक है। रमेश एकवचन हो गया और एंड से जुड़ने के बाद बहुवचन आ रहा है, प्लूरल नंबर आ रहा है। ये एक वचन हुआ, सिंगुलर नंबर हुआ और ये प्लूरल हुआ, तो इस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वे प्लूरल में ही आते हैं। रमेश एंड हिज फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैव आएगा, हैव लेफ्ट स्कूल। हमारी कंपनी का मालिक और मैनेजर कहीं बाहर गया है। यदि हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो जानकारी होती है कि, अब देखिए ये एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब जो आता है सिंटेक्स में भी आता है। यदि आपने इसको यहाँ पर ठीक से प्रिपेयर कर लिया तो सिंटेक्स में आपको 100% हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर से। ये केवल ट्रांसलेशन में ही नहीं, सिंटेक्स में भी इसका प्रयोग है। तो यहाँ पर लग रहा है कि कंपनी का मालिक और मैनेजर एक ही है, तो क्या आएगा, The owner and manager, अब देखिए हमने आर्टिकल का प्रयोग यहाँ किया है, यहाँ नहीं किया। एक वचन है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। पहले सिंगुलर से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर नहीं। ये इस बात को शो करता है कि ओनर और मैनेजर एक है, ठीक है। ऑफ
अवर कंपनी। अब यहाँ ओनर और मैनेजर एक है, ठीक है, इसलिए पहले नाउन के शुरू में ही आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया, यहाँ पर नहीं, और इसलिए सिंगुलर भी है, हैज गॉन। कहीं अफर्मेटिव है तो समवेयर, यदि निगेटिव होता है तो एनीवेयर आता है, या इंटरोगेटिव होता तो। समवेयर। अब देखिए नीचे हमने सेंटेंस लिया है, अब यह मालिक और मैनेजर यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। वैसे तो सेंटेंस को पढ़ने से भी जानकारी हो रही है कि इस सेंटेंस में ओनर और मैनेजर एक है, लेकिन यहाँ पता चल रहा है हिंदी में ही कि अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो फिर दोनों से पहले आर्टिकल अलग अलग प्रयोग होगा। द ओनर एंड द मैनेजर, अब यहाँ प्लुरल की वर्ब आएगी, हैव पहुँच चुके हैं, हैव अराइव्ड हियर। ओनर और मैनेजर कब सिंगुलर हैं और कब प्लुरल हैं, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। यहाँ इस एकवचन नाउन से पहले भी आर्टिकल आया, यहाँ पर भी आर्टिकल आया, इट मीन्स ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो प्लुरल की वर्ब प्रयोग की गई है, और ऊपर एक है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, अर्थात ये दो पद हैं और एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर सिंगुलर की वर्ब प्रयोग की गई है। गांव का प्रत्येक लड़का, स्त्री तथा पुरुष रामलीला में उपस्थित था। जब एकवचन नाउन से पहले एवरी और ईच, एवरी आ जाए या ईच आ जाए, चाहे वो फिर दो नाउन हो एकवचन, या तीन हो या चार हो, ठीक है, प्रत्येक से पहले एवरी या ईच लगता है तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर की आती है। देखिए एवरी बॉय, एवरी वुमेन एंड एवरी मैन। अगर इनमें से हम ये एवरी को हटा दें, यहाँ ए यहाँ ए यहाँ ए लिख दें, तो ये प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन एवरी लिखा हुआ है, या ईच लिख दें तो ये सिंगुलर में आएगा और वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। कहेगा गांव का, ऑफ द विलेज, वाज प्रेजेंट इन द रामलीला। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब तक हम वीडियो को ठीक से नहीं देखेंगे, बार बार नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखित में रूल्स नहीं, मैं आपको केवल ओरल बता रहा हूँ, ठीक है, समझेंगे तो क्लियर होगा। नंबर सिक्स, या तो रवि या मोहन फूल तोड़ता है। अब देखिए हिंदी में लिखा हुआ है तो स्पष्ट हो रहा है कि सिंगुलर ही है, लेकिन जब सेंटेंस में आइदर डॉट डॉट और आता है, नाइदर डॉट डॉट नोर आता है, या केवल और या केवल नोर आता है, तो उसमें वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक। यहाँ पर दोनों नाउन एक वचन है तो जो वर्ब आएगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, आइदर रवि और सोहन
प्लस द फ्लावर्स। यह तो नाउन ही एकवचन है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, न तो तुम मेरी सहायता करते हो न तुम्हारे मित्र। अब देखिए इसमें तुम और मित्र, मित्र बहुत सारे हैं, जब आइदर और नाइदर नोर होता है उसमें एक सिंगुलर और एक प्लुरल होता है। ठीक है, तो उसमें प्लुरल को बाद में रखते हैं और सिंगुलर को पहले। नाइदर नोर निगेटिव में होता है और आइदर और अफर्मेटिव में होता है, प्रयोग में दोनों में समानता है, बस ये निगेटिव है ये अफर्मेटिव है। जैसे इसमें रखेंगे वैसे इसमें रखेंगे, अगर आइदर और है तो सिंगुलर पहले आएगा प्लुरल बाद में आएगा, उसी के अनुसार वर्ब आएगी। ठीक ऐसी यहाँ पर है, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स। इसमें एक सिंगुलर नाउन है और दूसरा प्लुरल है, तो प्लुरल को बाद में रखेंगे, इसी के अनुसार वर्ब आएगी। सहायता करते हैं, हेल्प मी। ठीक है, न तो तुमने फूल तोड़े हैं और न उसने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा सा हम नियम इसमें अप्लाई होगा, 231। ठीक है, इस तरह से नाउन आते हैं आइदर और नाइदर नोर में, 231 दो टू मीन्स सेकेंड पर्सन। ठीक है, थ्री से थर्ड पर्सन और वन से फर्स्ट पर्सन, तो ये उसी क्रम में रखे हुए हैं। क्या आएगा, नाइदर यू नॉर ही। अब ये जो वर्ब आएगी हमारी इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। तो किस प्रकार से सब्जेक्ट रखा जा रहा है, किस प्रकार से उसके साथ वर्ब आ रही है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो हमने बताया था आइदर और नाइदर नोर और नोर में वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, दोनों सिंगुलर हैं नो प्रॉब्लम, और सिंगुलर प्लुरल है तो पहले सिंगुलर आएगा बाद में प्लुरल आएगा। अब यह दया भी और न्याय भी मनुष्य को महान बनाती है, तो इसमें क्या होगा, दया मर्सी एज वेल एज जस्टिस। अब देखिए एज वेल एज विद अलोंग विद टुगेदर विद में वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, अभी हमने ऊपर बताया था बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन एज वेल एज विद अलोंग विद अलोंग विद टुगेदर विद के होने पर वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पर मर्सी है, सिंगुलर नंबर है, तो मर्सी एज वेल एज जस्टिस मेक्स ए मैन ग्रेट। ठीक है, अगर हम इस मर्सी के बाद आई एज वेल एज को हटा करके एंड लगा देते हैं
तो फिर ये मेक का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है एंड से जुड़ जाएगा, तो फिर मेक्स से मेक हो जाएगा। लेकिन एज वेल एज है तो यहाँ पर मेक्स का प्रयोग होगा, क्योंकि मेक्स जो वर्ब आ रही है सिंगुलर की वो मर्सी के अनुसार आ रही है। ठीक है, अब इसमें पर एज वेल एज का प्रयोग है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। परिषद ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है, परिषद कहते हैं द काउंसिल। कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में है तो है जाएगा। चुन लिया है चोजन। अब कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर है तो अपने की अंग्रेजी कलेक्टिव नाउन के लिए इट्स आता है। इट्स प्रेसिडेंट। यहां पर काउंसिल एक मत है, ठीक है, एक अकेली इकाई के रूप में कार्य कर रही है। यदि यही इकाई अपने मतों में बट जाती है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है सेंटेंस को पढ़ने से। अब यहाँ तो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यदि इंग्लिश टू इंग्लिश सिंटेक्स में होगा तो सेंटेंस को पढ़ करके हमें जानकारी होगी कि एक यूनिट के रूप में कलेक्टिव नाउन प्रयोग हो रहा है या डिवाइडेड रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर गई है परिषद में इस बात पर मतभेद था, तो द काउंसिल वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, राजनीति अब बहुत भ्रष्ट हो गई है। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, डायनामिक्स, ठीक है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, देखने से ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि ये सिंगुलर में काउंट होता है। मैंने अभी नाम गिनाए बहुत सारे, हैज, बीकम, वेरी करप्ट। जानवर खेत में चर रहे हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, जैसे कैटल है, ज्यूरी है, ये देखने में सिंगुलर लगते हैं और होते प्लूरल हैं। जैसे पीपल है, लोग, पीपल की जगह दी कैटल आर। कैटल को देखने से लगता है सिंगुलर है, लेकिन ये जानवरों के लिए प्रयोग होता है, प्लूरल में आता है। द कैटल आर ग्रेजिंग। इन द फील्ड। ठीक है, क्या अध्यापक अपने छात्रों के साथ पिकनिक पर गए हैं? साथ आ रहा, साथ के लिए विद आएगा, इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो शुरू में हैज आ जाएगा। हैज द टीचर विद।
हिज स्टूडेंट्स गॉन ऑन पिकनिक। देखिए विद आ रहा है, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है। एज वेल एज विद अलोंग विद में वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी और पहला सब्जेक्ट क्या है इसमें द टीचर, इसे सिंगुलर की वर्ब आएगी, स्टूडेंट्स के अनुसार नहीं आएगी। ठीक है, यही चीज सेंटेंस को करेक्ट करने में लागू होती है। हमें ये नियम यहाँ पर याद हुआ तो वहाँ पर हम इजीली इस काम को करेंगे। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके अध्यापक भी वहाँ जा रहे थे। ठीक है, जा रहा था तो वैसे देखने से लग रहा है कि सिंगुलर है, अध्यापक भी जा रहा था, अध्यापक एक हुआ, तो प्रयोग करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट आल्सो देयर टीचर वाज गोइंग देयर। नॉट ओनली में यहाँ प्लुरल आ रहा है, बट आल्सो के बाद सिंगुलर आ रहा है, तो इसमें वर्ब जो है बाद वाले के अनुसार आ रही है। यदि ये सिंगुलर हो और ये प्लुरल हो तो यहाँ पर वर्ब प्लुरल की आएगी। ठीक है, अमीर लोग हमेशा प्रसन्न नहीं होते हैं। अमीर लोग के लिए हम पहले इसको अनुवाद कर देते हैं, दी रिच। अब ध्यान देंगे, किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं तो वह बहुवचन नाउन बन जाता है। अमीर लोग, द रिच लिख करके आगे लोग की अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द रिच ही समस्त धनी लोगों को इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो ये बहुवचन का नाउन बन जाता है और इसके साथ बहुवचन की वर्ब आती है। द पुअर प्लुरल नंबर में आता है, द नीडी प्लुरल नंबर में आता है, द वीक प्लुरल नंबर में आता है, द स्ट्रॉन्ग प्लुरल नंबर में आता है, तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो ये बहुवचन क्यों आई है, क्योंकि एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन है, इससे पहले आर्टिकल आया है। इन दोनों पुस्तकों में एक भी मेरी नहीं है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर की आएगी। इन दोनों पुस्तकों में से एक भी मींस आइदर अफर्मेटिव में, सॉरी नहीं है तो नाइदर आएगा, क्योंकि नेगेटिव है ये। यदि होता इन दोनों पुस्तकों में से एक मेरी है तो आइदर आता, नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स। अब देखिए वर्ब के बाद तो ये आने वाला, वर्ब के पास में ठीक पहले ये आने वाला है, तो इसको देख करके लगता है अरे नहीं तो बुक्स है तो वर्ब प्लुरल की आनी चाहिए, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर की आएगी। नाइदर ऑफ दीज बुक्स
इन दोनों किताबों में से एक भी नहीं है मेरी। ये पजेसिव प्रोनाउन है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आता। तो ध्यान दिया, नाइदर ऑफ निगेटिव में, आइदर ऑफ अफर्मेटिव में, ईच ऑफ अफर्मेटिव में, नन ऑफ निगेटिव में। इसके बाद जैसे नाइदर ऑफ है तो नाइदर और आइदर दो के लिए आता है, ठीक है, नाइदर और आइदर दो के लिए, ईच और नन दो से अधिक के लिए आता है। जैसे देखिए ये है, उन छात्रों में से प्रत्येक पास हो गया, अफर्मेटिव है, क्या आएगा, ईच ऑफ दोज स्टूडेंट्स। अब यहां पर हैव नहीं आने का, है जाएगा। अब ध्यान देंगे, इसके जैसे ये ईच और नन आता है, इसके बाद नाउन आ रहा है बहु प्लुरल का, ठीक है, तो जो पजेसिव आता है प्रोनाउन वो भी इनके साथ सिंगुलर का ही आता है। यहां तो नहीं लिखा, हम आपको नेक्स्ट दूसरी वीडियो में इसको आपको समझाएंगे, ठीक है। हैज पास्ट, फुल स्टॉप। 20 तक आपको यहां समझा रहे, 20 से आगे दूसरी वीडियो में समझाएंगे। 10,000 रुपये अच्छा वेतन है, तो अमाउंट के लिए, डिस्टेंस के लिए, ठीक है, अमाउंट दे रखा है ये, डिस्टेंस, ठीक है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या है, 10,000 रुपीज ये हमारा सब्जेक्ट बना, अभी तो प्लुरल नंबर में है 10,000 रुपये, लेकिन ये अमाउंट है, तो अमाउंट इस प्रकार अमाउंट के साथ में सिंगुलर की वर्ब आती है, प्लुरल की नहीं। इज ए गुड सैलरी। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा चश्मा कहाँ है, सुनने में एक वचन लग रहा है, लेकिन हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक जैसे दो भागों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जैसे चश्मा, चश्मे के दो भाग एक जैसे होते हैं, पायजामा, पजामे के दो भाग होते हैं, हम उसे ट्राउजर नहीं बोलते, ट्राउजर्स बोलेंगे, ठीक है, और सीजर्स है, दो भाग एक जैसे होते हैं, चिमटा होता है, टंग्स, उसके दो भाग एक जैसे होते हैं, ये देखने में एक यानी कि सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये बहुवचन में लिखे जाते हैं और वर्ब भी बहुवचन की आती है, तो जगह वेयर आर योर स्पेक्टाकल्स। ये दो एक जैसे भाग होते हैं, चश्मा सबने देखा है, कैंची, प्लायर्स जिसे हम प्लास कहते हैं, ये सब प्लुरल में आते हैं, इनके साथ वर्ब प्लुरल की आती है, ठीक है। ये हमने आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको यहाँ पर 20 तक ही रोक करके इसको एंड कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी आप वीडियो देखें वो एंड तक देखें, यदि आप वास्तव में टॉपिक को समझना चाहते हैं। 10 मिनट में मैं समझता हूँ इतने सारे पॉइंट्स हैं, 10 मिनट में इसमें कोई क्या समझा सकता है आपको, जितना डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं इतना समझाने के लिए 10 मिनट किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, वो तो केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे 5 मिनट में, 10 मिनट में ये सीखिए वो सीखिए। अब मैं आपके सामने ये सब्जेक्ट एंड वर्ब कंकर्ड, कर्ता और क्रिया का समन्वय मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो देखिए कितना समय लगा है। इसका सेकंड पार्ट 21 नंबर से शुरू होगा। थैंक्स।